नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, नेपाल से डिग्री लेने पर भी टीचर बनने के योग। बिहार में होली के पहले फिर से जहरीली शराब कांड, सिवान और बेतिया में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सीएम नीतीश ने पटना रिंग रोड और मीठापुर महोली एलिवेटेड रोड का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। तेजस्वी ने अपने सवाल से नीतीश सरकार को सदन में घेरा, मनरेगा जॉब कार्ड के मामलों में आंकड़ों की हेराफेरी का आरोप। सुप्रीम कोर्ट के डर से शराबबंदी कानून में बदलाव, बिहार सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया। पटना हाईकोर्ट ने निकाली वैकेंसी, 12वीं पास है तो बन सकते हैं स्टेनोग्राफर। एरियल सर्वे टीम की मदद के लिए भागलपुर पहुंचा दूसरा चार्टर विमान, गंगा नदी के दोनों ओर की जा रही है फोटोग्राफी। बिहार के पॉलिटेक्निक संस्थानों में इसी सत्र से हिंदी में होगी पढ़ाई, विभाग ने भेजा दिशा निर्देश। शिक्षक नियोजन में नेपाल के प्रमाण पत्रों की मान्यता को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को मंगलवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कैंडिडेट अगर भारत का निवासी है और उसने नेपाल स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक प्रमाण पत्र हासिल किया है, ऐसे मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर उस कैंडिडेट ने केंद्र और बिहार और अन्य किसी राज्य के स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक या प्रशिक्षण और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो तो ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन के लिए पात्र होंगे। ऐसे कैंडिडेट यदि टीचर के पोस्ट के लिए चयनित या नियुक्त तो होते हैं तो उनके अन्य शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ नेपाल से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। मालूम हो कि शिक्षा विभाग का यह निर्णय विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारियों की तरफ से मांगे गए मार्गदर्शन के संबंध में लिया गया है। बिहार में होली के पहले एक बार फिर से जहरीली शराब कांड हुआ है। सिवान और बेतिया से जो ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक शराब पीने की वजह से संदिग्ध परिस्थितियों में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। सिवान जिले में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि बेतिया में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि सिवान में परिजनों ने 2 मृतकों का अंतिम संस्कार भी आनंद पानन में कर दिया है। बता दें कि सिवान में संदेहास्पद स्थिति में 3 लोगों की मौत हुई है। इन 3 लोगों की मौत के बाद से गांव में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि सामूहिक मौत की वजह जहरीली शराब का सेवन है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ अभी मौत का वजह स्पष्ट नहीं की गई है। यह सिवान जिले के घटना दरौंदा प्रखंड के डेभर गाँव की है। जानकारी के अनुसार एक ही गाँव में 3 लोगों की मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई है। इस घटना के बाद गाँव के एक खेत से देसी शराब की एक थैली भी मिली है। बताया जा रहा है कि शराब पीने की वजह से ही तीनों की तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई। बीते बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना रिंग रोड और मीठापुर महोली एलिवेटेड रोड की प्रगति कार्यों का जायजा लिया। NH-83 के निर्माण कार्य का भी स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पहले भी इस परियोजना का निरीक्षण कर चुके हैं, लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने अधिकारियों के साथ इसका जायजा लिया। पूरी रिपोर्ट लेने के बाद संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। पटना मोहली के बीच 9 किलोमीटर से अधिक लंबा 4-लेन एलिवेटेड रोड बन रहा है। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च हो रही है। जमीन अधिग्रहण सहित कई समस्याओं से यह परियोजना भी जूझती रही है। 2023 तक इस परियोजना का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से कई इलाकों में जाम से मुक्ति मिल जाएगी। बीते बुधवार को बिहार विधानसभा की कार्यवाही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवाल से शुरू हुई। तेजस्वी यादव ने बिहार में मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराए जाने को लेकर सरकार से सवाल किया था, लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया उससे तेजस्वी संतुष्ट नहीं दिखे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से सदन में दिया गया जवाब बिल्कुल गलत है, सरकार आंकड़ों की हेराफेरी कर रही है। तेजस्वी यादव ने इसके लिए मनरेगा को लेकर राष्ट्रीय वेबसाइट का हवाला दिया। प्रतिपक्ष ने कहा कि साइट पर आंकड़े कुछ और बता रहे हैं जबकि सरकार का जवाब कुछ और है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार किसी भी तरह सदन में गलत जवाब देकर अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है। उन्होंने पूछा कि सरकार जो आंकड़े दे रही है वह कहां से दिए गए हैं, किन अधिकारियों ने इसे तैयार करके दिया है। सरकार कह रही है कि 99% लोगों को रोजगार दिया गया है जबकि मनरेगा की वेबसाइट पर आंकड़े कुछ और बता रहे हैं।
बिहार की नीतीश सरकार ने मंगलवार को आनन फानन में शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक कैबिनेट से पास करा लिया, लेकिन कैबिनेट की बैठक से पहले ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया था कि वह शराबबंदी कानून में बदलाव करने जा रही है ताकि कोर्ट पर पड़ा मुकदमा का भारी बोझ कम हो सके। दरअसल मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में शराबबंदी मामले की सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी कानून के कारण दर्ज हो रहे मुकदमों के कारण न्यायिक प्रणाली को चरमराने पर गहरी नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार से जवाब तलब किया था। मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया। बिहार सरकार की ओर से कोर्ट को कहा गया कि जिन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी उनके निराकरण के लिए शराबबंदी कानून में संशोधन किया जा रहा है। मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सीनियर अधिवक्ता रंजीत कुमार ने बिहार सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि कानून को और प्रभावी बनाने के लिए इसके दुष्परिणामों को से निपटने के लिए शराबबंदी कानून में संशोधन किया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे कि शराबबंदी कानून लागू करने से पहले कौन सा विधायी अध्ययन किया गया था। पटना हाईकोर्ट में नौकरी का अवसर आया है। अगर आप 12वीं पास है तो पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर की नौकरी पा सकते हैं। बिहार में सरकारी नौकरी का यह अच्छा मौका है। सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए यह बेहतर विकल्प है। 12वीं पास योग्यताधारी के लिए पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर के पदों की भर्तियां निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 मार्च 2022 से शुरू की जा चुकी है। इस भर्ती के माध्यम से स्टेनोग्राफर के कुल 129 रिक्त पदों को भरा जाना। पात्र उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर श्रेणी के अनुसार रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं। बीते 28 फरवरी से 6 मार्च तक चलने वाली गंगा नदी बेसिन का एरियल सर्वे का काम रविवार को पूरा हो गया है। इसके बावजूद भागलपुर हवाई अड्डे पर सर्वे टीम की गतिविधियां जारी रही। हवाई अड्डे पर 10 दिन पहले पहुंचे चार्टर प्लेन में मंगलवार को उड़ान नहीं भरा, वहीं एक और दूसरा चार्टर प्लेन मंगलवार को भागलपुर के हवाई अड्डे पर लैंड किया। सूचना मिली है कि सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के सपोर्ट के लिए दूसरा विमान जरूरी सामान लेकर पहुंचा है। सर्वे अधिकारी रघुराम वर्मा ने बताया कि भागलपुर के बाद अब पटना रीजन के गंगा बेसिन में एरियल सर्वे शुरू होगा। भागलपुर रीजन का काम पूरा हो गया है। पटना रीजन में दूसरे विमान से सर्वे होगा। पहले विमान का मेंटेनेंस के लिए कोलकाता भेजा जा रहा है। इस विमान से कोलकाता रीजन के गंगा बेसिन में शेष सर्वे का पूरा काम किया जाएगा। एरियल सर्वे के दौरान गंगा नदी समेत इसके दोनों ओर 10 किलोमीटर तक फोटो लिया गया है। बीते एक सप्ताह के दौरान भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, नवगछिया अनुमंडल, कटिहार, पूर्णिया, साहिबगंज से सटे गंगा बेसिन का एरियल सर्वे किया गया था। यह सर्वे बांग्लादेश के सुंदरबन, कोलकाता, बंदरगाह, साहिबगंज, भागलपुर, पटना, प्रयागराज व हरिद्वार होकर गोमुख ग्लेशियर तक हो रहा है। बिहार में इसी सत्र से राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में हिंदी भाषा में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार के सुशासन कार्यक्रम 2020-25 सात निश्चय पार्ट 2 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी शिक्षा को हिंदी में पढ़ाया जाएगा। सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी तकनीकी शिक्षा दिलाई जाएगी। इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक और निजी पॉलिटेक्निक को दिशा निर्देश दिया है। राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षा पार्षद द्वारा परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र हिंदी में भी दिया जाएगा ताकि छात्र छात्राओं को हिंदी में भी जवाब देने का विकल्प मिल सकेगा। समाज सुधार अभियान के क्रम में रविवार को मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कृत संकल्पित है। इस बात की आवश्यकता है कि विकास के साथ ही सामाजिक कुप्रथा को भी जड़ से समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज सुधार अभियान का यह 12वां पड़ाव है, इसे अंत नहीं शुरुआत माना जाए। विकास के साथ समाज सुधार होगा तो समाज, राज्य और देश सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जीविका दीदियों सहित मौजूद लोगों से अपील करते कहा है कि अपने गांव और इलाकों में जाकर अभियान की बातों को प्रचारित कर जागरूक करें। सीएम नीतीश ने कहा कि शराब, दहेज प्रथा और बाल विवाह का राष्ट्रपति महात्मा गांधी भी विरोध करते थे। इस कुप्रथा को समाप्त करने में भी सभी का सहयोग करना चाहिए, लेकिन कुछ काबिल लोग अब भी इन चीजों को हल्के में ले रहे हैं। उन्हें सचेत करता हूं कि बापू की बात याद नहीं रखोगे तो खत्म हो जाओगे। हमारी निगरानी लगातार जारी रहेगी। समाज सुधार का अभियान लगातार जारी रहेगा।
बिहार समेत तमाम जगहों के केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। पहली क्लास में दाखिले के लिए 28 फरवरी से 21 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि तय की गई है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। कक्षा 1 के साथ ही अन्य कक्षाओं में भी सीटें खाली रहने पर नामांकन किया जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 1 में नामांकन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कक्षा 1 में नामांकन के लिए आयु सीमा पहले 5 साल निर्धारित थी, अब इसमें 1 साल का विस्तार कर दिया गया है। अब कक्षा 1 में 6 साल की उम्र में दाखिला लिया जा सकेगा। 31 मार्च को उम्र की गणना की जाएगी। एडमिशन में आरक्षण रोस्टर का भी पालन किया जाना है। साथ ही 25% सीट RTE के तहत आरक्षित रहेगा। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म 2022-23 के लिए kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।